नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 के लिए। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा बड़ा हेडिंग पड़ी है हमारी, प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 दिसंबर से। ये कार्यक्रम हमारा पहले साल 2018 में यानी कि जनवरी में होता था, परंतु इस बार ये कार्यक्रम हमारा होगा 15 दिसंबर से। तो तैयार हो जाओ आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्लास टेंथ की और क्लास ट्वेल्थ के प्रयोगात्मक कार्यक्रम हमारे शुरू होंगे 15 दिसंबर से। और अगर आप तैयारी करने आए हो हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर 10वीं और 12वीं की, तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन तो जरूर दबा लेना। तो आइए जानते हैं ये पूरी खबर, प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 दिसंबर से, ठीक है। राज ब्यूरो प्रयागराज, यानी कि यह खबर जो आई है राज ब्यूरो इलाहाबाद से आई है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2019 इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम बुधवार को जारी हो गया है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों को दो चरणों में बांटा गया है। दोनों चरणों में 15-15 दिन में परीक्षाएं पूरी की जाएंगी, यानी कि ये जो परीक्षाएं होंगी 15 दिन आपकी हाई स्कूल की होंगी, ठीक है, और 15 दिन आपकी ट्वेल्थ की होंगी। तो ये 15-15 30 दिन में ये कार्यक्रम पूरा शुरू हो जाने वाला है, ठीक है। तो पहले चरण में की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी, पहले चरण की परीक्षा 15 दिसंबर से, कितनी तारीख से, 15 दिसंबर से शुरू होंगी। यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में परीक्षकों की नियुक्ति की सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से दी जाएगी। इंटर के प्रयोगात्मक विषयों में तय पूर्णांक में से 50% अंक आंतरिक व इतने ही अंक बाह्य परीक्षक की ओर से दिए जाएंगे। खेल व शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कॉलेज स्तर पर प्रधानाचार्य कराएंगे। हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं नैतिक खेल व शारीरिक शिक्षा व इंटर की खेल व शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक कॉलेजों के प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद की वेबसाइट upmsp.education.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। तो अभी आपकी वेबसाइट नहीं शुरू हुई है, 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी इसकी वेबसाइट। तो एक बात कान खोलकर सुनो सभी लोग, 15 तारीख से आपके प्रयोगात्मक कार्यक्रम शुरू हैं, तो किताब आप पूरी पढ़ लेना, ठीक है, पूरी किताब आप पढ़ लेना, जिसमें आपके, जैसे केमिस्ट्री में आपका प्रैक्टिकल होना है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होना है, इसी तरह का हमारा प्रैक्टिकल होना है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होना है, तो इनकी किताबें आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। 10वीं 12वीं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको किताब से ही पूछेगा, जो एग्जामिनर पूछेगा, और जो आपसे क्राफ्ट व्राफ्ट बनाएगा उसकी बात अलग से है। आपको पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पूरी बुक में से जो चैप्टर आपको दिए गए वो पढ़ लेना, ठीक है, एकदम अच्छे से। अगर पूछ लिया अगर उसने आपसे तो आप जरूर बता देना, अगर आप नहीं बताओगे तो आपके कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। फिलहाल सभी लोग तैयार हो जाओ, प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 दिसंबर से इंटर की शुरू हो जाएंगे आपके कॉलेजों में, आपके प्रधानाचार्य आप करवाएंगे आपके क्लास में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं, तो तैयार हो जाओ। तो बस दोस्तों यही था कुछ अपडेट आप सभी कल के लिए, कि उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये अपडेट यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 के लिए पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को जल्दी 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 शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ की, ताकि वो भी जान सके कि आपकी परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षाएं कब से शुरू हो रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए, ठीक है, और नए आए हो चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
ट्रिक्स।